क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है cos पाई बाय फाइव, cos टू पाई बाय फाइव, cos फोर पाई बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय cos एट पाई बाय फाइव, और इसका रिजल्ट आपका माइनस वन बाय सिक्सटीन आना चाहिए। ठीक है, तो पहले चेक करो पाई बाय फाइव कितना डिग्री होता है। पाई बाय फाइव होता है, अगर मैं पाई बाय फाइव को डिग्रीज में कन्वर्ट करूं तो 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। पाई पाई कट गया, 180 बाय 5 36 डिग्री हो गया। तो आपका जो एल एच एस है ना इस तरह बन जाएगा, कॉस 36, फिर कॉस 72, है ना, फिर कॉस 144, सो ऑन। लेकिन यहां पर 36, 72 और 144 की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी लाने की कोशिश करते हैं। आप सिंपली बस एलएचएस लो, एलएचएस लो बेटा। एलएचएस क्या है, देखो एलएचएस है कॉस पाई बाय फाइव, कॉस टू पाई बाय फाइव, कॉस फोर पाई बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय कॉस एट पाई बाय फाइव। तो पहला स्टेप जो आपको करना है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, आपको पूरे एलएचएस को टू साइन पाई बाय फाइव से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अभी नीचे डिवाइड भी करने वाला हूं। देखो ध्यान से, आपको आराम से समझ में आएगा। एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना है आपको। मल्टीप्लाई कर लिया टू साइन पाई बाय फाइव से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा टू साइन पाई बाय फाइव से। ठीक है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्या पढ़ा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन टू थीटा के इक्वल। तो ऊपर है साइन 16 पाई बाय फाइव और नीचे है 16 साइन पाई बाय फाइव। प्रॉब्लम ये है 16 पाई बाय फाइव की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो एक काम करते हैं, 16 पाई बाय फाइव है ना, थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको फाइव से डिवाइड करूं तो थ्री पाई से करना पड़ेगा इंटू, तो ये आपका 15 पाई आएगा। रिमाइंडर क्या बचा, माइनस करने पर पाई आएगा। हम लोग लिख सकते हैं 16 पाई बाय फाइव को 3 पाई प्लस पाई बाय फाइव। ठीक है, तो ये हो गया साइन ब्रैकेट में 3 पाई प्लस पाई बाय फाइव डिवाइडेड बाय 16 साइन पाई बाय फाइव। अब आपको पता है साइन 3 पाई प्लस पाई बाय फाइव कितना होता है, साइन ही होगा, है ना, साइन ही होगा पाई बाय फाइव। क्योंकि देखो 3 पाई आपको कहां पर आएगा, देखो पाई फिर पाई और फिर पाई। अगर पाई प्लस की बात कर रहे हैं तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 16 साइन पाई बाय फाइव। साइन पाई बाय फाइव, साइन पाई बाय फाइव काट देते हैं हम लोग, हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस वन बाय 16, जो कि आपका आर एच एस है। हैंस प्रूव्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।